नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। चार विधानसभा सीटों में होगा उपचुनाव, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का भी उपचुनाव। ददरौल और लखनऊ पूर्वी सीट पर उपचुनाव होगा। गौसंडी और दुड्डी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव। ददरौल विधानसभा सीट पर 13 मई को मतदान। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ददरौल और लखनऊ पूर्वी सीट पर उपचुनाव होना है। गौसंडी और दुड्डी विधानसभा सीट पर भी चुनाव। ददरौल विधानसभा सीट पर 13 मई को मतदान होगा। चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश के चार विधानसभा सीटों पर होने हैं, जहां ददरौल विधानसभा सीट पर 13 मई को मतदान होंगे। उत्तर प्रदेश में चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव की भी तैयारी उत्तर प्रदेश में हो रही है। चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ददरौल विधानसभा सीट पर 13 मई को वोटिंग होगी। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त की उत्तर प्रदेश से आपको दे रहे हैं, जहां चार विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की भी तैयारी हो रही है, जहां ददरौल और लखनऊ पूर्वी सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसके साथ ही दो अन्य विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के चार विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तैयारी भी शुरू हो रही है। ददरौल और लखनऊ पूर्वी सीट पर उपचुनाव, चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ददरौल और लखनऊ पूर्वी सीट पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी हो रही है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता अनामिका पाल जुड़ गई हैं। अनामिका, बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ चार विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि उपचुनाव होने हैं, इससे जुड़ी और क्या क्या अपडेट हमारे पास है? लोकसभा चुनाव के साथ ही पूरे देश में रिक्त विधानसभा की जो भी सीटें हैं उस पर भी चुनाव घोषित कर दिया गया है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश की चार रिक्त सीटों पर भी चुनाव होगा। इसमें राजधानी की पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी के निधन से जो सीटें रिक्त हुई थी, पूर्वी विधानसभा की सीट थी, उस पर भी 20 मई को वोटिंग होगी। इसके अलावा जो है शाहजहां की ददरौल विधानसभा जो की भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह के निधन से रिक्त हुई थी, यहाँ 13 मई को मतदान होगा। वहीं सपा के जो विधायक हैं और पूर्व मंत्री रहे एसपी यादव के निधन से बलरामपुर जिले की गैसरी सीट खाली थी, जिस पर 25 मई को वोटिंग होगी। और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग ने तारीखें भी घोषित कर दी हैं, इस पे चुनाव होने वाला है और लोग इस पे तैयारियां भी चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं, जी अनामिका, जी मैं आपको बता दूं कि उपचुनाव की जो तारीखें हैं वो लोकसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव भी होंगे। और अनामिका, क्या दोनों चुनावों की तारीख आपस में टकरा रही है क्या? लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव, क्या दोनों आमने सामने हैं या कुछ ही दिनों के अंतराल पर हैं? कुछ ही दिनों के अंतराल पे हैं। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ पूर्व समय चार विधानसभा के जो उपचुनाव होंगे, इसके लिए चुनाव आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 7 चरणों में जो चुनाव संपन्न होने वाले हैं, उसके साथ साथ ही इन सीटों का भी जो रिक्त खाली सीटें हैं चुनाव होंगी। उन्होंने कहा है कि ददरौल, शाहजहांपुर, लखनऊ पूर्व, गैसड़ी और बलरामपुर जो की दूधी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। ददरौल में लोकसभा चुनाव की 4वें चरण 13 मई, लखनऊ में 5वें चरण 20 मई और गैसड़ी में 6वें चरण 25 मई और दूधी में विधानसभा के उपचुनाव 7वें चरण में 1 जून को डाले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं डेट आपस में मैच कर रहा है। वही ददरौल डेट्स का आपस में, लोकसभा चुनाव की तारीखों का और विधानसभा चुनाव, विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की तारीख का इस तरह से आपस में टकराना, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी? बिल्कुल बड़ी चुनौती बिल्कुल साबित होगी, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव देखा जाए, जो कि उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा
मास जो वोटर्स होते हैं उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो ये क्रिएट करेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि भाजपा के जो दो तीन सीट जहां वहां से भाजपा के विधायक रहे राम दुलार गौंड को दुष्कर्म केस में 25 साल की सजा के बाद सदस्यता उनकी समाप्त हो गई थी, जिससे वो सीट रिक्त हो गई थी। तो यहाँ भी उपचुनाव होने वाले है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंजेस तो होगा इनके लिए। जी, तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनकी तारीख भी लगभग लगभग लोकसभा चुनाव के तारीखों के समय के दौरान ही है, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ कंफ्यूजन वोटर्स में क्रिएट होंगे। हालांकि चुनौती बड़ी है लेकिन समाधान भी जरूर भारतीय जनता पार्टी के पास इसका होगा। अनामिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास और भी खबरों पर अपडेट लेने के लिए लौटेंगे। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव हुए सपा में शामिल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान खान हुए सपा में शामिल, टिकट की मांग कर रहे थे अकीलुर रहमान खान और अब वो सपा में शामिल हो गए हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव सपा में शामिल हो गए हैं, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दल बदल की राजनीति जो अपने चरम पर है, प्रबल होती हुई दिख रही है। लगातार एक पार्टी से विधायक टिकट की मांग को लेकर के और अपनी नाराजगी को लेकर के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब पूर्व मंत्री का नाम सामने आया है, जहां आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव अकीलुर रहमान खान सपा में शामिल हो गए हैं। एक बार फिर से अनामिका के पास चलेंगे। अनामिका, दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है और ये बड़ा नाम है आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिन्होंने अब आरएलडी को छोड़ करके सपा का दामन थाम लिया है, टिकट को लेकर के नाराज थे ऐसा कहा जा रहा है। क्या अपडेट है पूरी मामले पर? जी शिवानी, आरएलडी के जो पूर्व महासचिव हैं अकीलुर रहमान अब ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि आज की जो राजनीति, स्पेशली लोकसभा चुनाव के पहले जो कुछ ये परिस्थितियां देखने को मिल रही, तो दल बदलू वाली पूरी राजनीति हो गई है। सब अपने अपने मुहिम में लगे हुए हैं कि किसको कहां फायदा होने वाला है। इसी कड़ी में अगर जो देखा जाए तो आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और समाजवादी पार्टी के आर्टिफिशियल एक हैंडल के अकाउंट से उनकी समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जानकारी दी गई है। और सूत्रों के मुताबिक संभल लोकसभा से टिकट की दावेदारी भी वो पेश कर सकते हैं। मैं आपको ये बड़ी बात बता रही हूँ कि संभल लोकसभा से टिकट के लिए दावेदारी भी पेश कर रहे थे और ऐसे में उनका समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाना, जयंत चौधरी का एनडीए में शामिल होने के बाद सपा में शामिल होने का फैसला, तो ये कहीं ना कहीं एक ये दल बदलू वाली राजनीति का पुख्ता सबूत हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले ये लोग किस तरीके से अपने अपने मुहिम में लगे हुए हैं। और वो भी तब जयंत चौधरी एनडीए में शामिल है, उसके बाद ये सपा में शामिल होने का इन्होंने फैसला लिया है। बिल्कुल, तो आरएलडी के खान संभल बहजोई असमौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं। बिल्कुल, तो आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव सपा में शामिल हो गए हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। आरएलडी के लिए बड़ा झटका है, कहा जा रहा था कि टिकट ना मिलने को लेकर नाराजगी जता रहे थे। तमाम बड़ी अपडेट हमने आपको दी अनामिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर प्रयागराज से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। 6ठे चरण में 25 मई को यहां वोट डाले जाएंगे। 46 लाख से ज्यादा मतदाता 2241 मतदान केंद्रों में वोट डालने जाएंगे। साथ ही 4712 पोलिंग बूथों पर जनपद के मतदाता वोट डालेंगे। वहीं जिले के डीएम नवनीत सिंह चहल ने जानकारी देते हुए कहा है कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उसमें जनपद प्रयागराज में हम सभी जानते हैं कि 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें दो पूरी पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, फूलपुर और इलाहाबाद, और भदोही आंशिक रूप से जनपद प्रयागराज में लगती है। तो रिटर्निंग ऑफ दिनांक हमारे जनपद के लिए 29 अप्रैल 2024 है। नाम निर्देशन दाखिल करने का अंतिम दिनांक 6 मई 2024। नाम निर्देशन की जांच के लिए यानी स्क्रूटनी की जो तारीख है वो 7 मई है, और नाम वापसी के लिए यानी विड्रॉल ऑफ नेम्स के लिए अंतिम दिनांक 9 मई 2024 है। यहाँ पर मतदान होगा, उसकी तारीख 25 मई है और मतगणना 4 जून को होगी। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा हुई है, उसमें
जनपद प्रयागराज में हम सभी जानते हैं कि 12 असेंबली वार्षिक गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने और गौकशी बंद करवाने के लिए वृंदावन से दिल्ली तक 15 दिवसीय नंगे पांव पदयात्रा कर रहे परमाराध्य परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को आज असी घाट पर हजारों लोगों ने अपना आत्मीय समर्थन दिया। उपस्थित लोगों के हाथों में एक पोस्टर था जिस पर गौ माता की जय लिखा था और शंकराचार्य जी सहित गौ माता की तस्वीरें लगी थी। संभल में डिप्टी कलेक्टर वंदना मिश्रा के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होने का एक मामला सामने आया है, जहां उन्होंने अमेजोन से एक पार्सल मंगवाया था। मंगवाए गए इलेक्ट्रिकल सामान की जगह डिलीवरी बॉय ने कलेक्टर को नैपकिन का पैकेट डिलीवर किया है। बता दें कि डिप्टी कलेक्टर ने ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से 30,000 रुपए का एडवांस पेमेंट किया था। इस मामले में डिप्टी कलेक्टर ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और आगे की कार्रवाई करने की मांग की है। डिप्टी कलेक्टर के साथ फ्रॉड का ये मामला सामने आया है, जहां अमेजॉन शॉपिंग के दौरान डिप्टी कलेक्टर के साथ बड़ा फ्रॉड किया गया है। 30,000 का यूपीआई पेमेंट करके उन्होंने इलेक्ट्रिकल उपकरण मंगवाए थे, जिसकी जगह पर उन्हें अमेजॉन की तरफ से एक नैपकिन का पैकेट डिलीवर हुआ है। अमेजॉन से जहाँ उन्हें 30,000 के इलेक्ट्रिकल उपकरण चाहिए थे, अमेजॉन ने उन्हें एक नैपकिन का पैकेट पकड़ा दिया है। इस पूरे मामले पर डिप्टी कलेक्टर के साथ हुए फ्रॉड पर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर अब मामला आगे बढ़ेगा। मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक सिंह का ऑपरेशन क्लीन जारी है, जहां पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने दो बदमाशों को धर दबोचा। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इन बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई है। पूरी घटना चरथावल क्षेत्र के कुल्हेड़ी जंगल का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन क्लीन में पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हुए हैं। दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल बताए जा रहे हैं, जिनके पास से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। आपको बता दें कि लगातार पुलिस की तरफ से ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, जहां पुलिस ने इलाके में कानून व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर रखी है। और इसी सिलसिले में पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश पुलिस की हिरासत में पकड़े गए हैं। गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए थे, जिनके पास से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ कुलदीप वर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनके पास चलेंगे। कुलदीप, ये पूरा मामला क्या था, साथ ही ऑपरेशन क्लीन में पुलिस को एक के बाद एक बड़ी सफलताएं मिल रही है। आपको बताना चाहूंगा, ये सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर की चरथावल कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने कुल्हेड़ी मार्ग पर चेकिंग अभियान चला रखा था। वही पुलिस को मुखबिर की सूचना पर एक साथी जो अपराधी था उसको आने की सूचना मिली। पुलिस ने उसको जब चेकिंग की तो उस वह पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने लगा। वही पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग के दौरान पुलिस ने जो साथी अपराधी है जावेद को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। वही पुलिस ने उसकी तलाशी के दौरान उसके पास से एक तमंचा, दो कारतूस सहित एक जो चोरी की मोटरसाइकिल है वह भी बरामद की है।
वहीं मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक सिंह के द्वारा जनपद में चलाए जा रहे अभियान को लेकर इस समय बिल्कुल सख्त मोड़ पर दिखते नजर आ रहे हैं और लगातार जो साथी अपराधियों पर कार्रवाई करते नजर आए हैं। जी कुलदीप, अभिषेक जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, लगातार मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही है, लगातार अपराधियों को धर पकड़ने की खबर सामने आ रही है, ऑपरेशन क्लीन को इससे पहले कितनी सफलता मिली है? साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो गिरोह पकड़ में आया है, जो दो बदमाश पकड़े गए हैं, इनके जरिए क्या किसी बड़े गिरोह की भी पता लगने की खबर आ सकती है? मैं आपको बताना चाहूंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में जो मुजफ्फरनगर एसएसपी है अभिषेक सिंह, उन्होंने जनपद के जितने भी कोतवाली है थाने हैं उनके क्षेत्र में जितने भी जो सातिर गोकस है उन पर कार्रवाई करते नजर आ रही है। वहीं पुलिस को मुखबिर की सूचना पर यह जो जावेद था इसके आने की सूचना मिली थी, तो पुलिस ने इसकी घेराबंदी की चेकिंग अभियान चला रखा था। वहीं पुलिस को देखकर भागने लगा और पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग करने लगा। वहीं जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग के दौरान इस साथी जो बदमाश था उसके पैर में गोली मार दी है, जिसके चलते वह घायल हो गया। वहीं उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में भी सफल रहा है। वहीं लगातार मुझे जिले में कार्रवाई को लेकर जो गोकस है, जो अलग अलग साथी अपराधी है, वह जनपद को छोड़कर अलग अन्य जनपदों में जाकर शरण ले रहे हैं। जी धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर में आगे बढ़ेंगे। यूपी के सातों चरण में यूपी में मतदान होना है। 1, 18, 23 और 29 अप्रैल को यूपी में मतदान होगा। 6, 12 और 19 मई को भी यूपी में मतदान होगा। चुनाव के सभी चरणों में उत्तर प्रदेश में वोटिंग की जाएगी। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 चरणों में मतदान होनी है और उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में मतदान होगा। 1, 18, 23 और 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में मतदान होना है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 6, 12 और 19 मई को भी मतदान किया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था, जिसमें बताया गया था कि लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में संपन्न होगा और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा। 1, 18, 23 और 29 अप्रैल को भी उत्तर प्रदेश में मतदान होंगे। वहीं 6, 12 और 19 मई को भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मतदान कराए जाएंगे। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ अभिषेक मणि त्रिपाठी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अभिषेक, उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में मतदान होंगे। उत्तर प्रदेश निश्चित ही एक बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कितना बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव 2024? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 1 जून तक चुनाव रहेगा। 7 चरणों में मतदान है। पश्चिमी यूपी से शुरुआत हो रही है और पूर्वी यूपी तक चुनाव के आखिरी तक खत्म होगा। जैसे बात करें 1 तारीख को जो आखिरी चुनाव है उसमें गोरखपुर वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का संसदीय क्षेत्र है वहां पे है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में 1 तारीख को है, तो तमाम ऐसी 20 तारीख को जो है लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, सबसे बड़ा राज्य है, तो ऐसे में 7 चरणों में चुनाव होना लाजमी भी है, क्योंकि चुनाव जो चरणों में हो रहा है उस जिले वाइज हो रहा है। जैसे जिन जिलों में जितने जैसे बात करें अगर 19 अप्रैल की तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरपुर, बिजनौर में हो रहा है। दूसरे चरण में अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। तो लगातार जो है पश्चिमी यूपी से शुरुआत होकर और पूर्वी यूपी तक चुनाव चलेंगे और 7 चरणों में चुनाव है। जी अभिषेक, 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं ये तो ठीक है, लेकिन बात अगर चुनाव की कर रहे हैं तो थोड़ी और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। अभी तक प्रत्याशियों के नाम भी बहुत सारे जगहों पर नहीं आए हैं। जैसे अगर गाजियाबाद की बात कर ले अगर अभिषेक, तो वहां पर भाजपा के भी प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आए हैं और उत्तर प्रदेश में ये इकलौता उदाहरण नहीं है। कई जगहों पर अभी प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आए हैं, विशेष करके अगर विपक्षियों की बात करें, अगर कांग्रेस की बात करें, तो क्या 2024 चुनाव की तारीख आ गई है, 7 चरणों में मतदान होना है ये तय हो गया है, लेकिन उम्मीदवार कौन होंगे ये तय नहीं है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने हमें पहली लिस्ट निकाली थी जिसमें 51 जगहों के नाम आ चुके थे। अभी भी 29 सीटों के लिए जो है नाम अभी जारी नहीं हुए हैं। हालांकि आलाकमान की पार्टी का मंथन चल रहा है, कल ही बीजेपी की कोर टीम की बैठक हुई है, उसके बाद से बची हुई जो 29 नाम है उनका भी जल्द से जल्द जो है नाम जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में देखिए जो चुनाव है, जो समीकरण चल रहे हैं, जिस हिसाब से उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम जो उठा रही है वो सोच समझ के उठा रही है। तो कड़ा मंथन किया जा रहा है कि जो लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कई ऐसे नए चेहरे होंगे जिनको पार्टी में जगह दी जाएगी इस बार, तो इस वजह से मंथन किया जा रहा है। और जल्द ही उम्मीद है कि आज से कल तक ही, आज शाम तक ही या कल सुबह तक जो है बची हुई सीटों पर भी जो है नाम आ जाएंगे। तो जल्दी लिस्ट जारी होगी, जो दूसरी लिस्ट आनी है उसकी सभी को इंतजार है। अब देखिए क्या किसका नाम आता है सामने, कौन कुछ होते हैं कैंडिडेट्स की। अभिषेक, अगर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा में देरी के पीछे की रणनीति को समझने की कोशिश करें तो क्या कारण समझ में आ सकते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और विपक्ष की कांग्रेस की तरफ से भी? क्या दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के नामों की घोषणा का इंतजार कर रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए नामों की अगर बात करें तो अगर कुछ समय पहले की बात जाते हैं तो आज से कुछ 4-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने सभी सांसदों को अपना रिपोर्ट कार्ड देने के लिए कहा था कि अपने क्षेत्रों में वो क्या कुछ काम कर रहे हैं, उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनाने को कहा था। ऐसे में जो रिपोर्ट कार्ड सामने आया था उसका फीडबैक कई जो है जगहों पर अच्छा नहीं आया था, उसको लेकर भी पार्टी मंथन कर रही है कि तमाम ऐसे सांसद हैं जो अपने क्षेत्रों में दौरा तक नहीं किए, वो गए भी नहीं, उनकी भी शिकायत आई है, उसको लेकर भी मंथन चल रहा है। तो तमाम ऐसी वजहें हैं जिनको लेकर लगातार पार्टी आलाकमान मंथन कर रहा है, इसीलिए नए चेहरों को भी जो सामने लाने की बात कही जा रही है, महिला कैंडिडेट भी हो सकती हैं। तो तमाम चीजों का, पीडीए की बात करें तो पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित की जो बात हो रही है ऐसा कैंडिडेट भी लाने के सामने बात हो सकती है। तो तमाम मंथन करके भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है बूथ लेवल पे काम करती है, वो पन्ना प्रमुखों से काम करवाती है, जिले स्तर पर काम करवाती है, तो बहुत नीचे लेवल से काम शुरू करती है, उसके बाद से मंथन करके जो नाम सामने आते हैं वो आते हैं। क्योंकि हमेशा देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कयास लोग लगा सकते हैं, लेकिन वो हमेशा एक अलग नाम सामने आता है। जी अभिषेक, भारतीय जनता पार्टी की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के बारे में सोचे तो कांग्रेस की तरफ से नामांकन अभी तक ना आने के क्या कारण हो सकते हैं, प्रत्याशियों के नाम सामने ना आने के क्या कारण हो सकते हैं? साथ ही अभिषेक ये भी जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में अगर बात करें तो क्या अपडेट है? हालांकि अभी आचार संहिता लागू हो गई है तो कुछ विशेष आयोजन प्रयोजन नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही समय में कई दौरे किए हैं, कई सारी परियोजनाओं की सौगातें दी हैं, इन सबको लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और उनकी तैयारी के मद्देनजर किस तरह से देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो अगर कल जो है चुनाव परिणाम, चुनाव की जो घोषणा हुई है तारीखों की, उसके पहले तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर में लाखों करोड़ों की जो है योजनाओं का लोकार्पण किए, और इधर पिछले जो 15 दिन है इसमें अगर आप देखते हैं तो लगातार कई 1000 करोड़ की परियोजनाओं का जो है लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। 1100 करोड़ रुपए के नगर विकास का कार्यक्रम हुआ था जिसमें कुछ मुश्किल से 2 दिन पहले, और लगातार पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो कई 1000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हो चुका है उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में। तो लगातार इस कार्यक्रम में कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, तो लगातार जो है लोकार्पण शिलान्यास, तो धरातल पे तमाम चीजों का दिखाने का जो दौर था वो अब, हालांकि आचार संहिता लग गई, अब इस तरह का लोकार्पण शिलान्यास कोई कार्यक्रम नहीं होना है, लेकिन लगभग जो भी जो इनके एजेंडे में जो भी काम थे लगभग उन्होंने धरातल पे लाने का काम कर दिया है, उसका शिलान्यास कर दिया है, उसका लोकार्पण कर दिया है। और अगर बात करें कांग्रेस की लिस्ट की तो कांग्रेस इसलिए लिस्ट नहीं दे पा रही है क्योंकि जो बची हुई 29 सीटें हैं वो भी देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किन किन कैंडिडेटों को निकाल रही है, उनके टक्कर में उन्हें किनको सामने लाना है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में उसका सूपड़ा साफ हो गया था। तो ऐसे में बड़ी चुनौती है। अगर बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पर भी काम कर रही है कि कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जहां पे उनकी जो वीकनेस, जैसे आजमगढ़ की बात करें, सफाई की बात करें, तो तमाम ऐसी जगह हैं जो उनकी दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं और चुनाव की रणनीति हालांकि आचार संहिता लागू हो गई है लेकिन भाजपा की तरफ से अपनी रणनीति को तय समय में पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हालांकि अभी होनी बाकी है। अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है, आप देखते रहिए TV27 न्यूज़।